यहाँ पर संजीवनी 108 के कर्मचारी अब आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं। भूपेश सरकार के कर्मचारियों का आंदोलन 23 जुलाई को निकलेगा और ये वादा निभाओ रैली के नाम से आंदोलन किया जाएगा। पिछली सरकार में भी कर्मचारियों ने हंगामा किया था, तब कांग्रेस ने इनके आंदोलन को समर्थन दिया था। अब सरकार आने के बाद मांगे पूरी होने का भी आश्वासन दिया गया है। कर्मचारियों की कार्य वापसी और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ 23 जुलाई को वादा निभाओ रैली निकालेंगे। पिछली सरकार के समय कर्मचारियों ने किया था प्रदर्शन, तब कांग्रेस इनके आंदोलन के समर्थन में था। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हेमंत शर्मा रायपुर से जुड़ चुके हैं। हेमंत, जिस तरह हम देखें कि 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों का जो आंदोलन शुरू होने वाला है, वादा निभाओ करके जो आंदोलन है, उसको लेकर क्या कुछ इनका वादा किया गया था और अब किस मूड में कर्मचारी नजर आ रहे हैं? पिछली सरकार के समय करीब 46 दिनों तक जो 108 और 102 संजीवनी के कर्मचारी हैं, उन्होंने अनिश्चितकालीन आंदोलन उस समय किया था और लगातार मांग की थी कि जो ठेका प्रथा है वो बंद की जाए, लेकिन सरकार ने आश्वासन दिया और आश्वासन देने के बाद उनकी जो हड़ताल थी वो खत्म करवा दी थी। लेकिन उसके बाद देखा जाए तो जो कर्मचारियों को निकाला गया था आंदोलन के दौरान, उनको अभी तक वापस नहीं लिया गया है। ऐसे 550 कर्मचारी हैं जो 1 साल से बेरोजगार हैं और उनको अभी तक वापस, जो जीविका कंपनी है जिसके द्वारा एम्बुलेंस संचालित होता है, वो अभी तक वापस नहीं रखी है। और इसके साथ ही एक मुद्दा है, इसके साथ ही दूसरा मुद्दा, जो कांग्रेस ने समर्थन दिया था उनकी आंदोलन को, खुद जो पीसीसी के अध्यक्ष भूपेश बघेल वो वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने ऐलान किया था कि सरकार आने के बाद उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। यानी कि देखने होगा कि पिछली सरकार में भी कर्मचारियों ने हंगामा किया था, तब कांग्रेस ने समर्थन किया था, कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में क्या कुछ निर्णय हो सकता है? एक और बड़ी खबर बलरामपुर से, जहां पर